हेलो एवरीवन, आज का वीडियो ह्यूमन शक्ति से रिलेटेड है, जो मुख्य रूप से जानकारी नहीं होने के कारण हम गलती कर बैठते हैं और हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आरसीसीबी है। आरसीसीबी का सिलेक्शन कैसे करें, आपको आरसीसीबी अगर मार्केट से लेते हैं, आपको 30 मिलियम पेयर लेना है, 100 मिलियम पेयर लेना है या 300 मिलियम पेयर है मिलियम पेयर लेना है, इसमें गलती कभी भी नहीं करें। इसलिए आप इस वीडियो को डिटेल से आप देखें। जब भी हम कुछ एक साल 30 साल पहले या 40 साल पहले की बात करेंगे तो इस प्रोडक्ट को हम एलसीबी भी बोलते थे। अभी ब्रॉडली इस प्रोडक्ट को हम आरसीसीबी के नाम से जानते हैं। आरसीसीबी के सिलेक्शन को समझने से पहले हमको कुछ एक बेसिक चीज जानना बहुत जरूरी है। किसी ह्यूमन बॉडी में, अगर ह्यूमन बॉडी ड्राई कंडीशन में है तो उसके अंदर वोल्टेज जो होगा वो 50 वोल्ट AC होगा। जो डैम्प कंडीशन होगा, डैम्प सराउंडिंग कंडीशन में, उसकी वोल्टेज जो होगा ना 25 वोल्ट AC होगा। तो इस हिसाब से बॉडी जो 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 टच रेसिस्टेंस हम निकालते हैं, और ये भी जानना जरूरी है जो 30 मिली एम्पियर के लिए जो टच रेसिस्टेंस होना चाहिए, दैट इज वोल्टेज अपॉन द करंट। द वोल्टेज इज 50 वोल्ट फॉर द डाई कंडीशन एंड हियर द करंट इज 30 मिली एम्पियर। सो द रेसिस्टेंस ऑफ द 30 मिली एम्पियर द टच रेसिस्टेंस दैट इज 1660 ohms। सिमिलर वे द 100 मिली एम्पियर के लिए द टच रेसिस्टेंस इज 500 ohms एंड द 300 मिली एम्पियर के लिए जो टच रेसिस्टेंस होना चाहिए दैट इज 167 ohms। तो ये एक बेसिक चीज है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ये एक आरसीसीबी है, जिसको पहचानने का आप तरीका कैसे समझेंगे, ये ऑपरेटिंग नॉब है जो ऑन एंड ऑफ पावर के ऑन एंड ऑफ के लिए हम यूज करते हैं। एंड ये पुश टू ट्रिप बटन है, जो फ्रिक्वेंटली हम इसको 4 to 6 weeks में एक बार प्रेस करके देखते हैं। Once it is pressed, the RCCB का जो knob है off हो जाएगा। It means it is in healthy conditions. तो ये push to trip button है। अभी हम इसको selection के बारे में समझते हैं। 30 mA, 100 mA, 300 mA। इसको basic application use करने का। 30 mA use where the direct contact to the human body। वहाँ पे आप 30 mA use कीजिए। 100 mA is direct and the indirect contact to the human body। वहाँ पर 100 mA use कीजिए। And 300 mA is building and fire। वो जगह पे आप 300 mA यूज कीजिए। इसको थोड़ा सा और हम समझते हैं। आरसीसीबी जो होता है वो आइदर आपके जो स्किन पे लिखा, जो फेस पे लिखा था, यहाँ पे सामने जो आरसीसीबी है वहां पे आपको लिखा रहेगा 30 mA डेट इज 0.03 एम्पियर। इसको समटाइम्स 0.03 एम्पियर भी लिखा रहता है, 100 mA के जगह पे 0.1 एम्पियर भी लिखा रहता है, और 300 mA के लिए 0.3 भी लिखा रहता है। तो ये तो पहचानने का तरीका है, जो कैसे पहचानेंगे हम इसको। सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा और हम समझते हैं। रेसिडुअल रेटेड ऑपरेटिंग करंट जो होता है, दैट इज लीकेज करंट जिसको हम बोलते हैं, 30 mA किस एरिया में लगाना चाहिए। प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ द पर्सनल प्रोटेक्शन इन केस वेयर द पर्सनल पर्सन कम्स इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, स्पेशली इन द सेंसिटिव एरिया सच एज किचन, बाथरूम, लेबोरेटरी, स्कूल एंड वर्क प्लेस। तो इस एरिया में आपको 30 mA लगाना चाहिए। 100 mA प्रोवाइड द हाई लेवल ऑफ द प्रोटेक्शन इन इंस्टॉलेशंस where the inherent seepage result into the standing leakage current, the fire risk protection and the indirect shock risk protection. तो इस एरिया में आपको 100 mA यूज करना चाहिए। एंड द 300 mA where the greater fire hazards in the installation, which are mainly caused due to the aging effect on the installation of an old wire. ये basically आपको lift की बात करेंगे and the motor की बात करेंगे, then high level of the हाई लीकेज करंट की बात करेंगे, जहाँ पे अमाउंट ऑफ द लीकेज करंट ज्यादा है वहाँ पे 300 mA आप यूज कर सकते हैं। बट द कन्फ्यूजन इज हेयर, 30 mA और 100 mA, ये दोनों में कहाँ पे यूज करना चाहिए। बेसिकली जो डोमेस्टिक एरिया में होता है, जहाँ पे हम ब्रॉडली जो मिसमैच हो जाता है हमारे रेटिंग का, जो कोई आदमी 30 mA यूज करते हैं, कोई 100 mA यूज करते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा और हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं, ताकि इसमें मिसमैचिंग कभी नहीं होना चाहिए। अगर मेरे घर में 30 mA यूज करने का है तो मैं 30 mA ही यूज करूंगा, आरसीसीबी 100 mA यूज नहीं करूंगा। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा और हम अच्छे से समझते हैं। इसको हम इस तरह से समझते हैं, जो कोई भी आरसीसीबी अगर 30 mA का है या 100 mA का और 300 mA का है, तो ये किस लेवल तक वो ट्रिप करेगा आरसीसीबी, कितना लीकेज करंट आएगा सिस्टम में तो वो ट्रिप करेगा। सबसे पहले समझिए, 50% ऑफ द लीकेज करंट अगर सिस्टम में आता है तो आपकी आरसीसीबी ट्रिप नहीं करेगा। लेट अस से अगर 30 mA की आरसीसीबी है तो 15 mA का जो लीकेज करंट होगा वो आरसीसीबी उसमें होल्ड करेगा, वो ट्रिप नहीं करेगा।
100 मिली एम्पियर में है तो 50 मिली एम्पियर होल्ड करेगा एंड 300 मिली एम्पियर तो 150 मिली एम्पियर पे होल्ड करेगा। अभी समझिए वो ट्रिप कहाँ पे करेगा, तो ट्रिप करेगा 30 मिली एम्पियर का जो ट्रिपिंग रेंज है वो बैंडविड्थ है दैट इज 18 to 27 मिली एम्पियर, 100 का जो है वो 60 to 90 मिली एम्पियर एंड 300 का जो है 180 to 270 मिली एम्पियर। तो ये इसकी बैंडविड्थ है ट्रिपिंग का। अभी हम इसको इस तरह से समझते हैं, जो हमारा आरसीसी भी समझिए, हमारा सॉकेट एक लीकेज करंट कहाँ से आता है, एक ये एक फेज और एक न्यूट्रल से तो आपके कनेक्शन आ गए, ये लीकेज डेवलप होता है यहीं से। तो लेटेस्ट से एक 6 एम्पियर की जो सॉकेट है और एक 16 एम्पियर की जो सॉकेट है, इसका मैक्सिमम टेंडेंसी कितना है लीकेज का, तो 6 एम्पियर की ब्रॉडली मैं ये बात करता हूँ, जो इसको हम सेलेक्शन के लिए इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं। जो हमारे पास समझिए 6 एम्पियर की जो ब्रॉडली जो मैक्सिमम टेंडेंसी होती है लीकेज का वो 3 मिली एम्पियर एंड 16 एम्पियर की जो सॉकेट होती है उसका मैक्सिमम लीकेज करंट होती है वो 5 मिली एम्पियर की होती है। अब लेटेस्ट एक एग्जांपल हम समझते हैं, जो किसी घर में 12 सॉकेट है जो 6 एम्पियर का है और जो 2 सॉकेट है वो 16 एम्पियर की है, तो टोटल लीकेज करंट आपके घर में कितना है वो हमको जानना बहुत जरूरी है। दैट इज 12 × 3 + 2 × 5 ये हो गया 46 मिली एम्पियर। अब ये 46 मिली एम्पियर का मतलब समझिए, अगर कोई आदमी 100 मिली एम्पियर का लगा ले आरसीसीबी, तो 100 मिली एम्पियर की जो आरसीसीबी का जो लीकेज करंट वो 60 मिनिमम आएगा तभी जाके आरसीसीबी ट्रिप करेगा। मतलब अगर 46 मिली एम्पियर की आरसीसीबी होगा, 46 एम्पियर का अगर लीकेज है और आरसीसीबी आपने 100 मिली एम्पियर का लगा लिया तो पर्सन विल डाई, बिकॉज आरसीसीबी तो ट्रिप आरसीसीबी क्यों लगाते हैं, बिकॉज एक लीकेज करंट आएगा तभी जाके हमारी आरसीसीबी ट्रिप हो जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आरसीसीबी आपकी ट्रिप नहीं होगी। इस कंडीशन में आरसीसीबी आप 100 मिली एम्पियर का ट्रिप नहीं होगा या 300 मिली एम्पियर का ट्रिप नहीं होगा, बिकॉज इसकी ट्रिपिंग टाइम ही 60 to 90 का रेंज हमने सेट करके रखा है और ये सब कंपनी के लिए ब्रॉडली ऐसा ही रहता है। इसीलिए मोस्ट सेंसिटिव एरिया में, मोस्ट जहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की बात है, जहाँ पे लीकेज करंट लेटर से लीकेज करंट आपकी 15 मिली एम्पियर से ऊपर है, 20, 22, 25, 30, 40 इस तरह से आपको अगर है तो आप 30 मिली एम्पियर के रेंज 30 मिली एम्पियर का ही आरसीसीबी यूज करें। इसलिए हम डोमेस्टिक एप्लीकेशन में ब्रॉडली एडवाइज करते हैं, हमारी रिक्वेस्ट है जो आप लोग आरसीसीबी अगर लगाते हैं तो 30 मिली एम्पियर का ही आरसीसीबी लगाएं, बिकॉज अगर आपने आरसीसीबी उससे ज़्यादा लगा लिया तो ट्रिपिंग में वो ट्रिप नहीं करेगा और हमारे सोसाइटी को, हमारे फैमिली को, हमारे सारे मेंबर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। और इससे नुकसान नहीं, हमारे 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 बॉडी इंजूरियस हो जाएंगे, हम उसमें घायल हो जाएंगे और हमारी हमारी प्रॉपर्टी भी इसमें लॉस्ट हो जाएगी, तो हमारी भारी नुकसान होगी। इसलिए जब भी कभी भी कोई आरसीसीबी अगर लगाते हैं तो ये सिलेक्शन का आप प्योरली ध्यान दें, जो हमारे घर में हम किस एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं और हमको कहाँ पे आरसीसीबी ब्रॉडली यूज करना चाहिए। तो होप ये वीडियो देखने से आपको क्लियर हो गया रहेगा जो हम आरसीसीबी 30, 100 and 300 मिली एम्पियर कहाँ लगाना चाहिए। Thank you very much. Have a great day. Thanks a lot.